नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम मेमोरी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे मेमोरी का स्टेज मॉडल। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि मेमोरी को तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आती है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब नंबर तीन पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले इसे मेमोरी स्टेज मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लैबोरेटिव रिहर्सल्स के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, उसकी परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड हो सकती है और उसकी ड्यूरेशन हो सकती है अप टू आर लाइफ टाइम। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं हम जिंदगी भर के लिए याद रखते हैं और वो हमें कभी भी नहीं भूलती। लॉन्ग टर्म मेमोरी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उन्हें जान लेते हैं। पहला, दिस इज रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज। मतलब कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहती है या फिर परमानेंटली भी हम किसी इंसिडेंट को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। जो भी इंफॉर्मेशन किसी मीनिंगफुल वे में स्टोर की गई हो और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द टाइम बट द वे इट इज़ इंकोडेड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें तो वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टे करेगी, पर अगर उस चीज़ को सही तरीके से इनकोड किया गया है, प्रोसेस किया गया है, तभी चांसेस है कि वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी। तभी कहते हैं कि जब पढ़ना हो तो रट्टा मत लगाओ, हर एक चीज़ का मीनिंग समझो। अगर हम जो भी पढ़ते हैं उसका मीनिंग समझेंगे तो वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है और उस इंफॉर्मेशन को हम सही समय पर रिकॉल कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मीनिंगफुलनेस और द इमोशनल कंटेंट ऑफ एन आइटम में प्ले अ ग्रेटर रोल। इसका मतलब है कि जैसे अभी हमने जाना कि बार बार रिपीट करना नहीं बल्कि किसी चीज़ का मीनिंग निकालना और स्पेशली जिस चीज़ के साथ हम इमोशनली कनेक्टेड हैं उस चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर सबको अपना फर्स्ट क्रश या फिर फर्स्ट लव या फिर फर्स्ट प्रपोजल याद रहता है क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशन कनेक्टेड होते हैं। तो जिस भी चीज़ के साथ हमारे इमोशन कनेक्टेड होते हैं वो चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है और हमेशा के लिए हमें याद रहती है। फिफ्थ नंबर पे आता है, चंकिंग द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्मॉल स्मॉल चंक्स में स्टोर करते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं और हर एक पार्ट का मीनिंग निकालते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना और सही समय पर रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है, द नॉलेज वी स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट्स अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंसेस व्हाट इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट वी अटेंड टू। इसका मतलब है कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बचपन से बड़े होकर कुछ इंफॉर्मेशन जो है स्टोर हुई है। जैसे जो हमारी मेमोरी की यादें हैं उसी हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। अगर हमारी यादें पॉजिटिव हैं तो हम दुनिया को पॉजिटिव नज़रों से देखेंगे, अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव इंस्टेंस हैं तो हम नेगेटिव तरीके से ही देखेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या स्टोर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। अगर हम अपनी मेमोरी के हिसाब से ही अपने वर्ल्ड को देखते हैं तो हमारी मेमोरी बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारा वर्ल्ड की तरफ परसेप्शन क्या है और हमारा बिहेवियर कैसा होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्कीमास या फिर पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से ही स्टोर होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर हमारी मेमोरीज अच्छी हैं तो हमारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, हम खुश रहेंगे, पर अगर हमारी मेमोरी में कुछ ऐसी यादें हैं जिनको सोच के हमें उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हमारा वर्ल्ड को देखने का तरीका भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या स्टोर है उस हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और उस हिसाब से ही हमारा बिहेवियर जो है होता है या फिर उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, जिसमें आता है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैं ऐसे ही लाती रहूंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय। थैंक यू।